व्यू आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। ये चक्रव्यू ना मेरे लिए है ना आपके लिए, ये चक्रव्यू है उन सियासी दलों के लिए जो 2022 की तैयारी करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो आज इस खास प्रोग्राम चक्रव्यू में खास चर्चा करेंगे कि कैसे ये सियासी दल 2022 के चक्रव्यू को पार कर पाते हैं। आखिर कौन है 2022 का अभिमन्यु? इस चर्चा में तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझा देती हूं कि आखिर यूपी में मुस्लिम समीकरण क्या कहता है। यूपी की कुल मुस्लिम आबादी तकरीबन 20% है। ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं। शहरों में 32%, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 16% मुस्लिम मतदाता हैं। राज्य के उत्तरी इलाके मुस्लिम बहुल्य हैं। परंपरागत रूप से यहां के मतदाताओं का रुझान कांग्रेस या सपा की तरफ हमेशा से ही रहा है। 2014 लोकसभा चुनावों में इस वोट बैंक का 66% हिस्सा सपा और कांग्रेस के खाते में गया था। 21% मुस्लिम वोटर्स ने बसपा के लिए मतदान किया, बाकी अन्य दलों के बीच ये बट गया था। प्रदेश के इन 20% मुस्लिम वोट बैंक है, जिसको लेकर सपा और कांग्रेस के साथ साथ बीएसपी भी लगातार नजरें गड़ाई रहती है। लगभग 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटर करीब 20% के आसपास हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों से करीब 125 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां अल्पसंख्यक वोट ही नतीजों में अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि चुनाव नजदीक आते ही मुस्लिम वोटर को अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक दलों में होड़ सी मच जाती है। लेकिन इस बार के समीकरण पार्टियों ने अलग ही साध लिए हैं, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करूंगी अश्विनी शाही जी का, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, भूदेव शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, शौकत अली प्रवक्ता हैं सपा के, और जय दीक्षित जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में बहुत स्वागत है। देखिए, अगर बात की जाए 2022 के विधानसभा चुनावों की, तो पूरी तैयारियां हैं, चाहे वो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश हो, चाहे वो ओबीसी को साधने की कोशिश हो, चाहे वो क्षत्रियों को साधने की कोशिश हो, या फिर दलितों को साधने की कोशिश, लेकिन इस बार मुसलमान पर कोई दाव नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, अगर विपक्ष की मैं बात करूं तो विपक्ष लगातार ये कहता है कि आप सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करती हैं। तो सबसे पहले सत्ता पक्ष से सवाल होगा। अश्विनी शाही जी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी जी, इस बार बीजेपी मुसलमानों के साथ नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणों को साधने की कोशिश हो रही है, इसके अलावा किसानों के मुद्दे पर ओबीसी को साधने की कोशिश हो रही है, क्या वजह है? मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा है बीजेपी का? हम डायरेक्ट उसी नंबर से जुड़ जाएं फिर। अश्विनी जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, किसी की आवाज नहीं आ रही है। अश्विनी जी, मैं आपसे संपर्क साधने की कोशिश करूंगी। भूदेव जी, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? चलो ठीक है, मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगी कि इस जो टेक्निकल इश्यू आ रहा है इसको ठीक करने की कोशिश करें। उससे पहले मैं समझा दूं कि आखिर 2022 में तैयारियां जो हैं वो कैसी चल रही हैं। 2022 विधानसभा चुनाव, कितने मुसलमान हैं ये आपको बता दूं कि 20% ऐसे मुसलमान हैं जो कि उत्तर प्रदेश में वोट देते आए हैं, जिन पर पूरा समीकरण साधने की कोशिश होती है। सवाल भी बहुत सारे हैं कि आखिर ये सवाल क्यों लगातार सामने आते हैं कि मुसलमान बेहद ज़रूरी हैं, ब्राह्मण बेहद ज़रूरी हैं, ओबीसी बेहद ज़रूरी हैं, क्षत्रिय बेहद ज़रूरी हैं, दलित बेहद ज़रूरी हैं। ज़रूरी सब हैं, लेकिन इनका जातीय समीकरण क्यों किया जाता है? आखिर क्यों ब्राह्मणों को अलग कर दिया जाता है? आखिर क्यों ओबीसी को अलग कर दिया जाता है? आखिर क्यों क्षत्रियों को अलग कर दिया जाता है? और दलितों को क्यों अलग कर दिया जाता है? और फिर आखिर में बचते हैं मुसलमान। मुसलमानों पर मेहरबानी आखिर इस बार क्यों नहीं हो रही है? मुसलमान हाशिए पर क्यों हैं? क्या मुसलमान वोट नहीं करेगा तो आसानी होगी जीतने में? ऐसे तमाम सवाल हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। 2022 एक बहुत बड़ा चुनाव जिसे देखा जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप दिल्ली पर अपनी पूरी तरह से नियंत्रण करते हैं तो ये रास्ता यूपी से होता हुआ नजर आता है। बात चाहे लोकसभा चुनाव की हो, बात चाहे विधानसभा चुनाव की हो, यूपी पर सबसे ज्यादा सियासत इसलिए होती है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्रियों के जो चेहरे दिए हैं वो उत्तर प्रदेश ने ही दिए हैं, और इसी वजह से यूपी पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। हालांकि अगले साल 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर है। योगी आदित्यनाथ एक क्षत्रिय चेहरा, ब्राह्मण नाराज हैं। ऐसा कहा जाता है कि योगी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, हिंदुत्व की राजनीति,
लेकिन फिर भी ब्राह्मण नाराज, ओबीसी जो कि पूरी तरह से सपा के साथ रहते हैं, और इसके अलावा जो यादव हैं, हार्डकोर यादव जो हैं, वो भी सपा के साथ रहते हैं, क्षत्रिय जो कि कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, दलित जिसका हार्डकोर वोटर जो है वो मायावती के साथ रहता है, और अब तो भीमार्मी जैसी पार्टी भी सामने आ गई है, तो ऐसे में दलित भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं वो इतने आसान नहीं हैं जितने हम समझ रहे हैं? इस बार मुश्किलें और ज्यादा हो सकती हैं। 2017 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई, योगी आदित्यनाथ चेहरा हुए, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि विकास के मुद्दे पर, महिलाओं के लिए अधिकार, महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहा है, ये तमाम मुद्दे ऐसे जिसको लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस साल बना हुआ है, साल 2020 और 21 की मैं बात करूं, देखिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था बीजेपी के लिए, लेकिन 2020 और 2021 कहीं ना कहीं गड़बड़ाता हुआ नजर आया। पहले तो कोरोना काल की वजह से और दूसरा किसानों की वजह से। जो किसान आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ वो अब यूपी तक सिमट गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो किसान हैं वो गाजियाबाद बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, राकेश टिकैत जिनमें से निकलकर सामने आते हैं। हर किसी को अपनी राजनीति चमकानी है, और मैं तो यही कहूंगी कि राकेश टिकैत भी अपनी राजनीति लगातार चमका रहे हैं, क्योंकि जो असली किसान हैं वो तो लगातार खेतों पर काम कर रहे हैं, ऐसा विपक्ष भी कहता है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट वोटर हैं वो बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। इससे ये जरूर कहा जा सकता है कि वाकई राकेश टिकैत ने जो पूरी एक समीकरण तैयार किया गया है, जो रूपरेखा तैयार की है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर पूर्वांचल की मैं बात करूं, तो पूर्वांचल में अगर कानपुर की मैं बात करूं, तो कानपुर में जो पिछले साल बिकरू कांड हुआ था उससे ब्राह्मण बेहद नाराज हैं। विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, इससे नाराज हो गए ब्राह्मण। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों पर गोलियां चलाई जा रही हैं और उसके अलावा ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। ये बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई, इसी वजह से समीकरण बहुत उलझे हुए हैं। इसे समझने के लिए हम लगातार चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार हम चर्चा पर बने भी रहेंगे। फिलहाल आपको ये बता दूं कि मुस्लिम बहुल्य सीटें कितनी हैं, फिरोजाबाद, आजमगढ़, गाजियाबाद, बाराबंकी, अमरोहा, खीरी, लखनऊ, ये ऐसी सीटें हैं जो पूरी तरह से मुस्लिम बहुल्य हैं। इसके अलावा यूपी में मुस्लिम बहुल्य जिले कौन से हैं? जिला मुरादाबाद आबादी 50% से ज्यादा है। और चलिए एक बार फिर से अपने मेहमानों से आपको हम रूबरू करा देते हैं। अश्विनी शाही बीजेपी प्रवक्ता हैं, भूपेश शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, शौकत अली सपा के प्रवक्ता हैं, और जय दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले अश्विनी जी का मैं रुख करूंगी। अश्विनी जी आवाज आ रही है मेरी? अश्विनी जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ सुन पा रहा हूँ। अश्विनी जी, विपक्ष लगातार ये कहता है कि आप सत्ता पक्ष से सवाल नहीं करती हैं, आप सिर्फ विपक्ष से सवाल करती हैं, तो आज सबसे पहले आपसे ही सवाल कर लेती हूँ कि सब पर मेहरबान तो आप हो रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो क्षत्रिय हो या फिर दलित हो, मुसलमानों पर ये मेहरबानी क्यों नहीं है? मुसलमान क्यों हाशिए पर हैं? देखिए, अगर विपक्ष ये कह रहा है कि आप विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, सत्ता से सवाल नहीं कर रही हैं, तो ये तो विपक्ष की जो है बौखलाहट है, क्योंकि सत्ता से ही सबसे ज्यादा सवाल होते हैं। आज विपक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी के नेता देखिए अपने अपने घरों में बैठकर ट्विटर से सत्ता से ही सवाल पूछते हैं। कल देखिए 2.5 करोड़ अगर वैक्सीन लगा है तो उस पर भी आज माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि एक राजनीतिक दल को दर्द हो गया, साइड इफेक्ट उसका हो गया। तो ये तो सवाल विपक्ष का पूछने का है, सत्ता पक्ष तो जवाब देने के लिए बैठा है, पूछना चाहिए। चलिए आज अच्छा किया आपने सवाल मुझसे पूछा। 2.5 करोड़ वैक्सीन पर भी सवाल उठा रहा है, उठा रहा है, जी जी उठा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में देखिए, कहीं भी जो आपका ये सवाल है कि मुसलमान क्यों किनारे है, कहीं किनारे नहीं है, आज से नहीं, ये जब देश आजाद हुआ उसके बाद से ही जो राजनीतिक दल थे वो उस समय अल्पसंख्यक और आज के बहुसंख्यक हो चुके मुस्लिम समाज के लिए सारे जतन कर डाला है लोगों ने। उन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं किया है यहाँ के राजनीतिक दलों ने। आप देखिए, कभी भी मैं कांग्रेस के समय की बात करूं या आज के समय की बात करूं,
कांग्रेस ने भी तुष्टीकरण की राजनीति की और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो सपा की सरकार पिछले साढ़े चार साल पहले थी, इन लोगों ने भी तुष्टीकरण की राजनीति करने की भरपूर कोशिश की। और एक समय तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कार सेवकों की हत्या करवा दी और उसके बाद आकर कैंट विधानसभा लखनऊ में कहा उन्होंने कि और मैं हिंदुओं के लिए मुस्लिमों के लिए क्या कर सकता हूँ। जैसे आरोप आप लगा रहे हैं सपा बसपा कांग्रेस पर, ऐसे आरोप आप पर भी लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ बसपा की, तो मायावती ये कहते हैं कि ब्राह्मण जो है वो योगी सरकार में खुश नहीं है। पहला सवाल ये। दूसरा ये कि आप ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है? अब पहला तो मायावती जी का आप जवाब ले लीजिए। उन्होंने 2007 में एक समीकरण बनाया ब्राह्मण और दलित का गठजोड़ का, ब्राह्मणों को उन्होंने टिकट दिया, ब्राह्मणों को टिकट देने के बाद वो सरकार में आई। उसके बाद 2012 में ब्राह्मण मोह भंग क्यों हो गया उनका, ब्राह्मण मोह भंग होने के बाद मुस्लिम के पास चली गई और वो 2013 और 2013 से दोनों से बाहर हो गई और समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई। आज उनका फिर से ब्राह्मण प्रेम जागा है। लेकिन एक बहुत मार्के और मुद्दे की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना भी ब्राह्मण सम्मेलन उन्होंने किया है उसमें सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा उनका सतीश मिश्रा जी थे और कोई नहीं था। उनके पीछे जहां पर मायावती जी और सतीश मिश्रा जी थे, बैकड्रॉप जो होल्डिंग लगती है उस होल्डिंग में किसी भी ब्राह्मण महापुरुष की कोई फोटो नहीं लगी थी। ये फिर से ब्राह्मणों को छलने मार्केट में आ रही है। लेकिन जो उन्होंने कानपुर का बिकरू कांड कहा, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि क्या वहां पर मारे गए मिश्रा जी जो सीओ थे वो ब्राह्मण नहीं थे? उनके साथ उनका परिवार नहीं था? उस पर किसी ने सवाल उठाया? किसी ने नहीं उठाया, ना समाजवादी पार्टी ने ना बहुजन समाज पार्टी ने। ब्राह्मणों को छलने का काम कर रहे हैं। अश्विनी जी ठीक है, शौकत अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शौकत अली जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा हूँ। शौकत अली जी सुन तो लिया ही होगा आपने कि यहाँ पर अश्विनी शाही क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से आप पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। पागल जी, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विश्वास की बात करती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की बात आती है और उनके टिकट वितरण की बात आती है तो मुसलमानों को भूल जाती है। आपको पता होना चाहिए वो क्यों भूल जाती है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को बखूबी जानती है, क्योंकि जिनका धरातल ये रहा हो कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करके मुसलमानों को गाली देकर हिंदुओं को एकत्रित करने का काम रहा हो, तो मुसलमानों को सुन लीजिए 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश में, एक टिकट बताइए विधायकों को जिन्होंने मुसलमान के चेहरा बनाकर दिया है, एक भी टिकट नहीं दिया। हमारी बात करती है, हम चाहे ठाकुर की बात हो, ब्राह्मण की बात हो, बैकवर्ड की बात हो, मुसलमान की बात हो, एससी की बात हो, सबको बराबरी का हिस्सा देते हैं और सबको राजनीति में आने का बढ़ावा देने का काम करते हैं, ताकि वो अपनी अपने समाज की बात कर सकें, अपने समाज के लोगों को जागरूक कर सके, अपने समाज के लोगों को बढ़ा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी है जो सबके साथ और सबके विश्वास की बात तो करती है, लेकिन जब उनके भागीदारी की बात आती है तो मुंह मोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है हम अगर महाराज आपको दे देंगे तो हम आपको गाली कैसे दे पाएंगे, फिर आपको सियासत में दिन भर हमको गालियां देनी रहती, दिन भर कैसे कोसेंगे, और जो हमारा बेस वोटर है वो तो नाराज हो जाएगा। आरोप प्रत्यारोप ही करते रहिएगा या मेरे सवालों का जवाब ही दीजिएगा? आपके सवाल का ये साफ सुथरा जवाब था कि समाजवादी पार्टी कभी तुष्टीकरण की मेरा सवाल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। शौकत अली जी मेरा सवाल सुन लीजिए, पहले आप ये बताइए कि आपको तो मुस्लिम बहुत पसंद थे, मुस्लिम ओबीसी की राजनीति आप बहुत अच्छे से करते थे और यही करके आप सत्ता में आए, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि 2022 की जो आप तैयारियां कर रहे हैं उसमें मुस्लिम कहीं ना कहीं बहुत दूर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओबीसी के आने से परेशान हो गए हैं आप? हमें कोई परेशानी नहीं, हम तो विकास करने वाले लोग हैं और हमेशा समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह तुष्टीकरण की राजनीति हमें नहीं करनी है। इनका काम ही यही है कि देश में बंटवारा करके रहना है, हिंदुओं को अलग बात बताओ, मुसलमानों
अनोख अलग बात बताओ, और जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के राजनीति, जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ होगा लीजिएगा इनका इतिहास, हमेशा इन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति किए और वही करते चले आ रहे हैं। मैं अभी छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, 403 सीटें उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, मुझे एक टिकट का नाम बताइए जिस से लड़ाया हो, एक नाम नहीं इनके पास। लेकिन हमसे कोई पूछे कितने ठाकुर आपने लड़ाए हैं, कितने मुसलमान आपने लड़ाए हैं, कितने एससी आपने लड़ाए हैं, कितने बैकवर्ड आपने लड़ाए हैं, मैं साहब बताने का बताने के लिए तैयार हूँ 403 सीटों पे, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। अश्विनी जी से भूदेव शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। भूदेव जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल काजल जी मिल रही है, बिल्कुल। भूदेव जी, प्रियंका गांधी मैदान में उतर चुकी हैं और अब तो कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अमेठी से या फिर रायबरेली से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, और ऐसा करने वाले अपने परिवार की पहली महिला होंगी या पहली शख्सियत होंगी? देखिए काजल जी, प्रियंका गांधी जी का क्या फैसला है, कहां से वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, या फिर जो भी फैसला लिया जाएगा वो हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा, उसके बाद ही ये फैसला होगा कि वो चुनाव लड़ती हैं या नहीं लड़ती हैं। लेकिन जैसे कि मैं इतनी देर से अपने दो भाइयों को सुन रहा था, मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि चाहे बसपा हो या सपा हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये तीनों पार्टियां धर्म और जातिवाद से कभी ऊपर ही नहीं उठ पाई। अगर आप उत्तर प्रदेश की आप नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस, काजल जी कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है जो सभी धर्मों को सभी जातियों को एक साथ लेके चलती है, और कांग्रेस पार्टी कभी भी जातिवाद पे चुनाव नहीं लड़ती है, ये धर्म पर चुनाव नहीं लड़ती है कांग्रेस। काजल जी प्लीज मेरी बात 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 पूरी होने दीजिए। कांग्रेस पार्टी जो देश के असली मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो या किसानों का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, इनको लेकर के ही हम चुनाव में जाते हैं। जीतना हारना अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा ही देश के जो मुद्दे हैं उन पर ही हम संघर्ष करते हैं, सड़क से लेकर संसद तक कर रहे हैं। तो अमेठी में राहुल गांधी जी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, अमेठी में राहुल गांधी का साथ क्यों छोड़ दिया जनता ने, जवाब दीजिए। देखो, जनता का जो भी मत हो वो बिल्कुल दिल से स्वीकार है, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि चुनाव जीतने के लिए हम इस देश को बांटने का काम करें, हम इस देश को जातियों में बांटने का, धर्मों में बांटने का काम करें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। चुनाव हारना मंजूर है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी है जिसकी ये विचारधारा है कि वो सभी धर्मों को, सभी विचारधाराओं को, सभी जातियों को एक साथ लेके चलते हैं। चुनाव हार गए उसको हमने दिल से स्वीकार किया है, फिर से चुनाव लड़ेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़े बड़े नेता चुनाव हारते रहे, राहुल गांधी जी हार गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम देश को, इस देश को बनाने में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, कांग्रेस ने इसमें बहुत मेहनत की है, तो इसको हम इतनी जल्दी खत्म नहीं होने देंगे। क्या विजन है आपका, बता दीजिए बुधे जी, क्या विजन है 2022 के लिए? बिल्कुल 2022 में कांग्रेस पार्टी मजदूरों की, बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार को लेकर, किसानों के मुद्दे, इनको सबको सॉल्व करेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितना प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसका भी सॉल्यूशन होगा। आप इसी को देख लीजिए कि 1970 से पहले उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे अधिक रेवेन्यू देने वाला राज्य था, लेकिन 1970 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार रही हो, या सपा की अकेले में सरकार रही हो, या बसपा की रही हो, या बीजेपी की रही हो, आज गरीब राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को लाके खड़ा कर दिया लोगों ने, क्योंकि ये एक जाति विशेष के ऊपर नहीं उठ पाई। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश को एक साथ लेके चलती है, देश के लोगों से। भूदेव जी मैं आपकी बात मान लेती हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जब आप सत्ता में थे तो यूपी में बहुत विकास हुआ, यूपी में बहुत कुछ अच्छा हुआ, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि जनता इतनी नाराज हो गई कि सुपड़ा ही साफ कर दिया, बताइए। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना, देश के लोगों को बरगलाने का काम किया गया। जैसे आप अब अभी देख लीजिए कि मोदी जी ने 2014 से पहले 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपए, इतने बड़े बड़े वादे किए, देश के युवाओं को बरगलाया। आज पूरा देश जान चुका है, आज अगर उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, युवा अपनी नौकरी के लिए जाते हैं तो उन पर पुलिस की लाठियां बरसाई जाती है, दो दो तीन तीन चार चार साल में कोई भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही है, तो देश अब समझ चुका है। कल भी नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया है, ये पूरे विश्व में केवल भारत में ही ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्यों? कि इन लोगों ने रोजगार देना तो दूर,
4 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया, तो अब ये पूरा देश जान चुका है। इसलिए जैसे लोगों को बरगला करके ये सत्ता में आए थे, वो अब ये वापस नहीं आएंगे। आप सत्ता में आते हैं यूपी में तो देखेंगे कितना रोजगार आप देंगे और कितने यहाँ पर किसानों की आप भलाई करेंगे। जय दीक्षित जी हमारे साथ बने हुए राजनीतिक विशेषक है। जय जी, आप इतनी देर से सारी बातें तो सुन ही रहे हैं, चाहे अश्विनी शाही जी ये कह रही हो कि बीजेपी लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रही है, भूदेव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया और आगे भी करेगी, तुष्टिकरण की राजनीति वो नहीं करती है, शौकत अली जी लगातार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, आप बताइए कि ये सब करने से क्या जनता के मन को टटोला जा सकता है? क्या जनता के मन में जो कुछ चल रहा है वो समझा जा सकता है? तीनों मित्रों की बात सुना और तुष्टिकरण की राजनीति स्वतंत्रता के बाद ही हिंदुस्तान में चालू हो गई। हम किस तुष्टिकरण की बात करते हैं? एक समय ऐसा था जब हिंदू और मुस्लिम को बांटा गया स्वतंत्रता के बाद, और धीरे धीरे वो दायरा आगे बढ़ा और इसी लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक नारा दिया गया था 70 के दशक में, तिलक से राजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। फिर कहीं ना कहीं हिंदुओं को बांटने की एक, मैं उस पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगा, आप परिचित होंगे कि इन्होंने किसने जलवा के नारा दिया था। थोड़े देर बाद एक नारा, नया नारा आया, बुरा बाल साफ की, ये भी देश की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका था। हमें तुष्टिकरण ही जो दिखाया गया, विरासत में मिली ही तुष्टिकरण। आप ऐसे समझिए कि हर पार्टी, मैं चाहे सपा के मित्र हमारे सामने बैठे हैं, आज जो बेशक समाजवाद की बात करेंगे, लेकिन आप उठा के उनके परिवार में ही और उनके पदाधिकारियों को देख लीजिए, सिर्फ पर्टी से एक वर्ग विशेष की बात की जाती है। जी 2012 के चुनाव में मुझे पहले राजीव जी दीजिएगा बोलने के लिए, 2012 का जब चुनाव आया तो माई एक इक्वेशन बैठाई गई, मुस्लिम और यादव का गठबंधन, वो क्या तुष्टिकरण नहीं? 2000 जब आप 17 की बात करते हैं, उसका विकास की बात क्यों नहीं की गई? एक आज के डेट में 2007 दीक्षित जी, आपकी आवाज मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। अश्विनी जी का मैं रुक करूंगी। अश्विनी जी, सारी बातें आप सुन रही हैं लगातार, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, आप ये बताइए कि राम का नाम इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राम का नाम बहुत लिया और आखिरकार लोकसभा चुनाव बीजेपी जीत गई, इस बार अब कौन से इष्ट देव का नमन करेंगे आप? देखिए काजल जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि राम का नाम तो हम लोग सदैव शुरू से युगों से लेते चले आ रहे हैं। नहीं, इस बार आपके नारों में सुनाई नहीं दे रहा है, आपकी रैलियों में सुनाई नहीं दे रहा इस बार। नहीं, आप सुन लीजिए ना, मैं जो कहने जा रहा हूँ कि हम लोग तो लेते थे, लेते हैं और लेते रहेंगे, लेकिन अब देखिए कितने लोगों ने राम को भजना शुरू कर दिया है, कौन कौन से दल आकर अयोध्या जा रहे हैं, माथा पटक रहे हैं, जो राम को काल्पनिक मानते थे वो भी जा रहे हैं। जी आपका कॉपीराइट है राम नाम पर, राम का नाम लेना तो अच्छी बात है। नहीं, अभी चुनाव आते आते राम का नाम भी आ जाएगा, अब्बा जान आ गया है और भी चीजें आ जाएंगी। देखिए हमारे तो अश्विनी, राम मंदिर संकल्प पत्र में था और अब वो लोग अपने आप को कहते हैं हम असली हिंदू हैं, जिनके पिताजी और दादा का इतिहास जो है मुस्लिम का रहा है, वो जाकर कहते हैं कि हम असली हिंदू और ये लोग हिंदू की दलाली करते हैं। अब ये नौबत आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, राम की जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं को बांटने का काम करती है, आप लोगों ने हिंदुओं के लिए केवल बांटने का काम किया है करके बोले तो ज्यादा रहेगा। नहीं तो आप ये प्रमाण किसको दे रहे हैं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है? मैं सम्मानित सभी पैनलिस्ट से निवेदन करता हूं, जी आपके पास मैं निवेदन करता हूं कि अगर नहीं ये गलत काजल जी, ये गलत बात है कि ये हिंदू मुस्लिम का प्रमाण देंगे। ये आप पहले सुन लीजिए, जवाब भी दीजिएगा। देखिए डिबेट, अश्विनी जी बोलिए, डिबेट में देखिए भूपेश जी, डिबेट में तलवार नहीं निकलती है, डिबेट में वाणी निकलती है। आप अपने मुझे कुछ भी कह लीजिए, होता क्या सभी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सबकी आवाज क्रैश कर रही है, कहीं किसी की क्लियर नहीं जाएगी, इसलिए आप हमारी बात सुनिए। आप हमसे जो कहेंगे मैं भी धैर्य से सुन रहा था। देखिए काजल जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज
राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले पार्टी के नेता अपने आप को असली हिंदू बता रहे हैं। मंच पर खड़े होकर जनेऊ जो है शर्ट के ऊपर पहने सब लोगों ने देखा है, केरल में जाकर टोपी चढ़ जाती है। ऐसे लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। जब राजनीति की बात आती है ना तो असली हिंदू नकली हिंदू ये समझ से परा हो जाता है। आप समझाइएगा कि असली हिंदू कौन है और नकली हिंदू कौन है। देखिए असली हिंदू और नकली हिंदू की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, कभी शर्ट के ऊपर जनेऊ चढ़ाते हैं और कभी वायनाड जाकर टोपी पहन लेते हैं। आज तो मोदी जी, मोदी जी बिरयानी खाने पाकिस्तान में जाते हैं, साथियों ने कहा है। तो ये सीधा जो कटाक्ष है वो कांग्रेस पर है अश्विनी जी। नहीं देखिए काजल जी, अगर मोदी जी पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाए और वो अगर गुर्जर में और गुरुद्वारे में मोदी जी जाकर के अगर गुरुद्वारे में जाए तो वो हिंदू, उनका हिंदूपन खत्म नहीं होता है। अगर राहुल गांधी जी जाकर के अगर मंदिर में पूजा करते हैं तो वो हिंदू नहीं है। अरे आप अपना प्रमाण दीजिए, आपको रामचरित मानस की खबर क्यों पाई नहीं आएगी, आपको राम हनुमान चालीसा नहीं आएगा, लेकिन आप बात करते हैं हिंदुओं की। हम भी डरपोक सावरकर के रिलेटिव नहीं है। और अगर फिरोज गांधी आज फिरोज खान हो गया तो स्मृति गांधी जी आपको किसने बताया कि फिरोज खान थे? फिरोज खान तो इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए ना, पहले आप इतिहास पढ़ते आइए, बात कीजिए। आपका क्या इतिहास रहा है, आपका क्या इतिहास रहा है, ये पूरा देश जानता है। आपने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, आपने देश को आने के लिए नहीं देना चाहते थे। आप लोगों ने संविधान सभा में देश की महिलाओं का उद्योगपतियों के लिए काम करने वाले लोग हैं। देश की आजादी से पहले भी आप अंग्रेजों के साथ थे और देश की आजादी के बाद आप काले अंग्रेजों के साथ हैं। बुदेव जी आप तो सुन ही नहीं रहे हैं, आप तो अंग्रेजों के जमाने में चले गए। यहाँ बात अब हो रही है आधुनिक भारत की, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और अब बात होगी 2022 की। आप ये बताइए बुदेव जी कि मुसलमानों का साथ आपने क्यों छोड़ दिया? इतिहास बता रहे हैं हमें, नहीं ये हमें इतिहास बता रहे हैं ना कि जिनके बाप दादा मुसलमान थे या हिंदू थे। अरे मुसलमान थे या हिंदू थे पहले आप इतिहास तो पढ़िए, आपका तो आज का इतिहास नहीं पता है। आप ज्यादा दूर क्यों जाते हो, आप अपने अभी के इतिहास को देख लीजिए कि कौन गद्दार था, किसने देश के साथ गद्दारी की और कौन देशभक्त था और कौन हिंदू और कौन मुसलमान है। आप दूसरे लोगों आप बताओगे फिरोज खान कौन था, फिरोज खान कौन था ये सुन लीजिए। राम सेतु को जानकारी नहीं है, व्यक्तिगत टिप्पणी। राम सेतु को काल्पनिक, यहाँ बात मुसलमानों की हो रही है, मुसलमानों का टॉपिक है, आप टॉपिक को मत बताइए। काजल जी मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा ये वो लोग हैं जो केवल जाति या धर्म से ऊपर नहीं उठ पाए। आज देश में कोरोना में लाखों लोगों को इन्होंने मार दिया, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में लाखों की लाइन लग गई, उसमें ये बात नहीं करते। कोरोना में कैसे कुप्रबंधन किया गया उसके बारे में ये बात नहीं करते। बेरोजगारी वाले अपने रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है उसमें ये बात नहीं करते। और बात करेंगे कि फिरोज गांधी की, फिरोज खान की, अरे आज की बात कीजिए ना, तुमने देश को 70 साल पीछे ले गए। आज हम अपने पड़ोसी देशों से पीछे चले गए, बांग्लादेश नेपाल भूटान हमसे आगे चले गए, देश को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने हिंदुओं के नाम पर। जी और अश्विनी जी ये मेरी डिबेट है, मेरी भी सुन लीजिए, आपस में यूं ही लड़ते रहिएगा तो फिर आगे ये पूरी डिबेट खत्म कैसे होगी, मुद्दे से भटक रहे हैं हम। अश्विनी जी बताइए, आप पर आरोप लगा है कि आपने लोगों को मार दिया। हम प्रस्टेटेड नहीं है, आप लोग हिंदू धर्म हिंदुओं को बदनाम मत कीजिए, हिंदू धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है। आज देश के विकास की बात करो, देश को विश्वगुरु बनाने की बात कीजिए। सभी लोगों को पता होना चाहिए, ना ही कोई हिंदू है, ना ही कोई मुसलमान है, ना ही कोई ब्राह्मण है, ओबीसी है, क्षत्रिय है, दलित है, हम सब यहाँ पर हिंदुस्तानी है। ये बात तो बच्चे को पता है, आप आपस में लड़ रहे हैं असली हिंदू नकली हिंदू करके।
दिशाएं चेंज किए जा रहे हैं आप तो बिल्कुल। अश्विनी जी बताइए, आप पर बोला है कि आपने कोरोना काल में लोगों की जान ली है। देखिए, मैंने कोरोना काल में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस तरीके की मेहनत की, समय रहते जिस तरीके से काबू पाया, अपने अस्पतालों को जिस तरीके से उच्चीकृत किया, इस सब के लिए WHO से लेकर और भारत सरकार की रिजर्व बैंक तक, इनको और नीति आयोग तक, सबने इनकी सराहना की, योगी मॉडल की सराहना की। 24 करोड़ के प्रदेश में हम आज महाराष्ट्र से भी कम मौतें हमारे उत्तर प्रदेश में हुई हैं। हमारे यहाँ बीमार थे, सबसे ज्यादा टेस्ट उत्तर प्रदेश ने किया, सबसे ज्यादा हम लोगों ने टीकाकरण किया और सबसे ज्यादा हम लोगों ने मरीजों को जल्दी ठीक किया। सबसे आज महाराष्ट्र में 30,000 के आंकड़े पाए गए हैं, आज के दिन की मैं बात बता रहा हूं, और उत्तर प्रदेश में सैकड़े में नहीं है, सैकड़े में नहीं है। तो किस तरीके से आरोप हमारे ऊपर लगता है? बहुत अच्छी बात है, चलिए चलिए, मैंने आपकी बात सुनी अश्विनी जी, ये महामारी थी जो पूरा देश नहीं पूरा विश्व इसके चपेट में आया। शौकत अली जी बहुत देर से चुपचाप बैठे, क्या हुआ शौकत अली जी? ओबीसी जब से आए आप तो मौन ही हो गए हैं, ओबीसी मुसलमानों के साथ आए हैं तो आप तो मौन ही हो गए हैं। मौन नहीं हो गया हूँ, मैं तो सुन रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के झूठ को और उनके सहयोगी जो अभी बुलाए गए हैदराबाद के उनके साथियों का भी झूठ सुनता हूँ। देखिए काजल जी, मैं आपको बता दूँ, बहुत सात चीजों में बताऊँ कि ओवैसी साहब आए नहीं, ये आप बार बार ये मत करिए कि वो आ गए वो आ गए, मैं तो बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि वो आए नहीं। देखिए वो आके बार बार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं तो मुझे बोलना पड़ेगा। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए सुन लीजिए, वो आए नहीं, वो बुलाए जाते हैं, उनको इनविटेशन कार्ड बुलाए जाते हैं। देखिए भारतीय बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के राज्यीकरण की रही, इसी तरह बिहार में बुलाया था, बंगाल में भी बुलाया गया, लेकिन कलकत्ता का चुनाव क्योंकि इसलिए वहाँ वो नहीं लड़े क्योंकि वहाँ के मुसलमान बड़े जागरूक हैं और जहाँ से वो खुद आते हैं हैदराबाद से, वहाँ भी 12.5% मुसलमान उन पे भरोसा नहीं करते हैं, वो जानते हैं कि बीजेपी के लिए काम करते हैं, इनकी भाषा शैली ऐसी होती जो बीजेपी चाहती वो करते हैं, बीजेपी चाहती कि ऐसी वाणी बोलो जो सबसे झगड़ा हो वो कहलवा देते हैं, फिर झगड़ा होना शुरू हो जाता। भाई भारतीय जनता पार्टी की तो मानसिकता ही यही है, किसी तरह बंटवारा होता रहे, हमारा वोट बैंक बिक रहे। आज बड़ा दुर्भाग्य है, अभी इतना बड़ा आपके टीवी चैनल पे इन्होंने झूठ बोल दिया कि महाराष्ट्र में ज्यादा मौतें हैं, उत्तर प्रदेश में कम हुई मौतें। महाराज ये आंकड़ा आपको कहां से मिला, कैसे गिनती करवाई थी लाखों की आपने? अगर आपने लाखों की गिनती करवा ली होगी तो मुझे पता है कि वो गिनती भी आपने करवाई होगी जिन लोगों का रिकॉर्ड ही नहीं था जो नदियों में बह गए, उनकी गिनती आपने कैसे करा ली? महाराज कितना झूठ बोलते हैं आप, कितना उत्तर प्रदेश को ठगने का काम करेंगे, आजकल तो उद्धव ठाकरे भी गुणगान कर रहे हैं बीजेपी के। शौकत अली जी, आपने जिक्र किया यहाँ पर महाराष्ट्र का, तो मैंने सिर्फ यही कहा है कि आजकल तो उद्धव ठाकरे भी गुणगान कर रहे हैं बीजेपी के। अब वो क्यों गुणगान कर रहे हैं तो आप खुद ही जानते हैं। चलिए शौकत अली जी, ये बताइए कि ओबीसी आ गए हैं, तमाम बयानबाजी यहाँ हो रही है, अब वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को भटकाने की कोशिश यहाँ बीजेपी करती है, सपा करती है, बसपा करती है, तो सपा का ओबीसी और मुसलमानों के साथ जो साठगांठ रहा है वो बेहतर रहा है, हमेशा से ही हमने हर चुनाव में देखा है, इस बार लेकिन यहां पर सपा बहुत दूर मुसलमानों से नजर आ रही है, क्या वजह है, क्या डर है ऐसा? समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति करती है, और यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होता। समाजवादी पार्टी का कोई एक बयान मुझे दिखा दीजिए जिसमें हिंदू मुसलमान का जिक्र किया गया हो। हमेशा समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है, उसी पर राजनीति हमारी तो हमारी, हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, हम मुसलमानों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, कामगारों की बात करते हैं, हम ब्राह्मणों की बात करते हैं, हम SC की हडिंग की विवाद के तमाम लोगों की बात करते हैं, अंतिम छोर में बैठे हुआ जो व्यक्ति होता है हम उसकी भी बात करते हैं कि उसको विकास से जोड़ा जाए और उसको भी उन्नति की ओर बढ़ाया जाए। इस पे समाजवादी पार्टी के राजनीति आधारित, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह राजनीति करते हैं। चलिए ठीक है, एक और बात यहाँ बता दीजिए शौकत जी, एक और बात बता दीजिए कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो तो सपा और बसपा ने मिलकर लड़ा था, 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, क्या हो सकता है कि बुआ भतीजा साथ साथ आ जाए? देखिए काजल जी, इस बात को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी छोटे दल हैं अगर वो आने चाहते हैं समाजवादी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत किया जाएगा, किसी भी बड़े दल के साथ कोई समझौता नहीं होगा, इसको साफ तौर पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दोहरा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। जय दीक्षित जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप?
जय दीक्षित जी, आपने ये जानना चाहूंगी कि इस बार हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणों को साधने के लिए बसपा सम्मेलन कर रही है, प्रबुद्ध सम्मेलन, और इसी तर्ज पर बीजेपी ने भी सम्मेलन निकाल लिया है, कहीं तिरंगा यात्रा हो रही है, कहीं सपा की यात्रा निकाली जा रही है, तो इस बार मुसलमानों को क्यों अलग रखा गया है? ऐसे में इस बार की जो राजनीति है वो हर साल चुनावों से इतनी अलग क्यों है? ब्राह्मण हमेशा एक फॉरवर्ड कास्ट है, वो हमेशा हासिल की तुष्टिकरण राजनीति जो है, तुष्टिकरण की राजनीति, उसको एक पक्का वोट बैंक मानना चाहिए कि ये हमारा वोट बैंक है। कुछ जन कुछ वर्षों तक क्षत्रिय उसके पास रहा, उसके पहले कांग्रेस लेकिन समय थोड़ा सा चेंज हुआ है। 2014-15 के बाद कहीं ना कहीं अंदर भी एक विकासवाद की स्थिति आई है और विकास के साथ उसको जोड़ने का काम किया है 50 सालों के बाद, 60 सालों के बाद, और आज कहीं अपने आप को लाभान्वित महसूस कर रहा है। मुस्लिम तुष्टिकरण जान के किया गया, शिक्षा का विकास जहां नहीं होगा वहां तुष्टिकरण होना पड़ेगा, शिक्षा पे जोर नहीं। जय दीक्षित जी, लेकिन अगर बात की जाए मुस्लिम वोटर्स की जो, तो 20% मुस्लिम वोटर्स हैं और ये 20% बहुत मायने रखता है हार जीत में, तो अब हमें इसका समीकरण कैसे समझना होगा? कुछ मुसलमान यहाँ ओवैसी के साथ जा सकते हैं, कुछ मुसलमान सपा के साथ जा सकते हैं, कुछ मुसलमान बसपा के साथ जा सकते हैं, कुछ मुसलमान बीजेपी के साथ हो सकते हैं और कुछ कांग्रेस के साथ, लेकिन ये जो हार्डकोर वोट बैंक है वो इकट्ठा एक पार्टी के साथ नहीं जा सकता। ऐसे में पार्टियों के लिए कितनी मुश्किलें हो सकती हैं? साजिल जी, मैं बात अगर विकास की करता हूँ तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश नहीं, मैं अगर पूर्वी उत्तर हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं चुनाव जातिगत आधारित हो जाता है। देखिए, आप देखेंगे कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण जरूर होती है, उसमें जातिगत आरक्षण, जातिगत ध्रुवीकरण किया जाता है या बना दिया जाता है, माहौल ही ऐसा बन जाता है जिसमें जातिगत ध्रुवीकरण। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो फिर वहां जातिगत ध्रुवीकरण है। कुछ दिनों से हमें देख रहे हैं कि जनता जो है अपने लिए विकास खोजती है, जनता अपने घर अपने लिए जो सुविधाएं हैं सरकारी वो कैसे उन तक पहुंच रही है विचार करती है, और ये देखती है कि हमारे लिए हमारा कौन सा ऐसा नेतृत्व है जो बेहतर काम कर सकता है। मैं चाहे किसानों की बात करूं तो आज किसान सभी सरकारों से ज्यादा लाभान्वित है, उनके अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है, तो किसान को ये पता है कि मेरे लिए कौन बेहतर काम कर रहा है। और किसान, किसान में फार्मर भी है, किसान में भूमिहार भी है, किसान में मुस्लिम भी है, सभी वर्ग के लोग किसान में समाहित है। तो जो 16 करोड़ जनसंख्या है, जो आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो गांव में निवास करती है, वो कहीं ना कहीं अपने मिलने वाली सुविधाओं को देख के काम करती है कि हमारे लिए कौन सी सरकार। चलिए ठीक है, अश्विनी जी, प्रियंका गांधी ने आज ट्वीट किया है अपराध को लेकर। वो कहती हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन योगी राज में कहीं भी कहीं से भी रामराज नहीं आ पा रहा है, तो क्या कांग्रेस रामराज ला पाएगी? अश्विनी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरे से सवाल है? हाँ जी अश्विनी जी, आ रही है, मेरे से सवाल है, वही मैंने किया है, और योगी सरकार पर हमलावर हुई है अपराध को लेकर। काजल जी, मेरे से सवाल है ये जी। देखिए, आप प्रियंका जी और राहुल जी कहीं सच्चाई से बहुत कोसों दूर हैं। उन्होंने जो आंकड़े पेश किए हैं वो आंकड़े राजस्थान से टैली कर लें और सब जगह के आंकड़े हैं, राजस्थान एक नंबर पे है, तो अपने प्रदेश का आंकड़ा ले आकर यहां रख रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध खत्म है। आज संगठित अपराध की वजह से इतने घरों पे जो बुलडोजर चलाए गए, उस पर माननीय अखिलेश जी को कहना पड़ा कि इनको अपना चुनाव चिन्ह बदल लेना चाहिए। उस वही बुलडोजर अपराधियों का क्या दहशत बना हुआ है, इसके पहले कभी कुछ नहीं होता था। अपराधियों के सरलगाह बनी हुई थी उत्तर प्रदेश,
संगठित अपराध आज उत्तर प्रदेश में समाप्त है, कहीं अपराध नहीं हो रहा है। हम महिला सुरक्षा में नंबर एक पर जा रहे हैं, कहीं हम लोगों ने पिंक बूथ बनाया है। आज राजधानी लखनऊ की मैं बात करूं, रात में 10 बजे के बाद अगर आपको अपनी नौकरी से जाना हो घर, आप फोन कीजिए, आपको जो लेडीज सिपाही है वो पहुंच करके घर ले जाकर आपको छोड़ कर आएगी। ये सुविधा तक हम लोगों ने दी है कई शहरों में। हम लोग धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। देखिए, हमने जो है एक्सप्रेस वे बनाने का जो कहा वो तो अलग, 5 एक्सप्रेस वे बनाई रहे हैं। हमने सबसे बड़ा जो काम किया वो किया मूलभूत स्वास्थ्य पर, जो कोरोना के काल में हमको दिखाई दिया कि वो जर्जर अवस्था में है। पीएचसी और सीएचसी, पीएचसी और सीएचसी जो सबसे नीचे की चीज होती है वो उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गई थी। वहां पर कंपाउंडर काम करते थे, डॉक्टर वहां रहते नहीं थे। अब मजबूरी हो गई है, डॉक्टर को वहां रहना पड़ेगा। अश्विनी जी, स्वास्थ्य की बात आपने की है तो चलिए स्वास्थ्य पे भी आपसे पूछ लेती हूँ। इन दिनों उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार की जद में हजारों लोग हैं, कईयों की जान चली गई है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर हैं, ऐसी तमाम तस्वीरें हैं जो मैं आपको भिजवा भी दूंगी और आप सुनिएगा और देखिएगा कि लोगों की हालत कितनी बदतर है और कितनी गंदगी इलाकों में देखी जा सकती है। अब बताइए। देखिए, आपने आपने कहा लचर है, लेकिन ये अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले हम 4 सालों में हमने क्या किया है, तो हमने, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अभी भी स्वीकार करने में मैं कहीं पीछे नहीं हूं, मैं कह रहा हूं अभी हम लोग 100% नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ जो व्यवस्थाएं थी, जहां पर डॉक्टर नहीं थे वहां डॉक्टर दे रहे हैं। आज 48 मेडिकल कॉलेज या 12 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 4000 से ऊपर सीट बढ़ा दी, डॉक्टर की कमी भी पूरी कर रहे हैं। 2 एम्स हमने दिया है, जो जिसकी ओपीडी 3 साल पहले से गोरखपुर और रायबरेली की चालू हो चुकी है। तो आज के दिन में हम स्वास्थ्य के मूलभूत सुविधाओं पर काम कर रहे हैं, जो हमने पीएससी सीएससी की बात की उसको उच्चीकृत किया है। आता हुआ मुस्लिम की बात पर, देखिए अभी हमारे शौकत भाई ने कहा कि इन्होंने किसी को टिकट नहीं दिया, हमने तो टिकट नहीं देने, हमारे पास तो कैंडिडेट नहीं थे जिताऊ, लेकिन देवबंद, बरेली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इन सब जगहों पर हमारे कैंडिडेट जीत कर आए। हमको 300 से ऊपर लोगों ने आशीर्वाद दिया। हम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं सपा के। मैं 3 घटनाएं याद दिलाना चाहता हूं शौकत भाई के साथ। सपा की सरकार थी 2013 में, एक शासनादेश था जिसमें यह कहा गया कि हर थाने में 2 मुस्लिम सिपाही जरूर तैनात करने होंगे। दूसरा एक आदेश आया जिसमें बनारस, फैजाबाद, लखनऊ और गोरखपुर के जो बम ब्लास्ट हुए थे उनके आरोपियों को छोड़ने की बात कही गई। भला हो ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जिन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप आतंकवादियों को कैसे छोड़ सकते हैं, वो शासनादेश रोकना पड़ा। तीसरी घटना मैं बताना चाहता हूं, मुस्लिम लड़कियों के लिए 30,000 रुपए का अनुदान दिया जाता था उस समय, और हिंदू लड़कियों को 10,000 रुपए दिया जाता था। ये होता है तुष्टिकरण की राजनीति। हिंदू जब शमशान की ये लोग बाउंड्री का नहीं करा रहे थे और कब्रिस्तान की बाउंड्री करा रहे थे, तब यही चीजें थी उस समय। सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए इन्होंने संसद से मांग की कि आप मुस्लिम आरक्षण ले आइए, हम उसका समर्थन करेंगे आपको। तो ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति समाजवादी पार्टी करती रही है। चलिए ठीक है, कांग्रेस करती रही है, आरोप आप करते रहिएगा, लेकिन जनता तो समझ चुकी है कि जनता को क्या करना है। आप ये बताइए कि 2019 में 3 तलाक कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए पास हुआ, तो ऐसे में आप उत्तर प्रदेश में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको इंसाफ मिला है इस कानून के बाद, क्या महिलाएं खुश हैं? देखिए, एक सर्वे आपके पास जो है ऐसा तंत्र है काजल जी कि आप सर्वे कराकर देख सकती हैं आज मुस्लिम महिलाओं में 2 चीजों को लेकर, और वो भी आपको दिखा भी दूंगी, 2 चीजों को लेकर भी दूंगी, मैं बता रहा हूं, 2 चीजों को लेकर महिलाओं में बहुत ही खुशी और उल्लास का चीज है। 3 तलाक बहुत थी जो हमारी पीड़ित महिलाएं थी, वो 3 तलाक से जो पीड़ा थी उनकी, उससे वो संतुष्ट है और आज वो भारतीय जनता पार्टी के गुण गा रही हैं। दूसरा, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना ने उन महिलाओं को जो कि
दिन भर उनके घर में बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, दिन भर लकड़ी बीनने खेतों में और बागीचों में जाया करते थे, उनकी पढ़ाई चालू हो पाई और महिलाएं गैस पर खाना बना रही हैं। ये है, हमने शौचालय दिया तो किसी की जाति पूछकर नहीं दिया, मुस्लिम को भी दिया, हिंदू को भी। आप लोगों ने इतना काम किया है, इतना विकास किया है और विकास की राह पर आप प्रगतिशील भी हैं, तो फिर इतनी बेचैनी बीजेपी में क्यों है? क्यों यहाँ कहा है तर्ज पर, कहा बेचैनी है तर्ज पर? सम्मेलन आपने ब्राह्मणों के लिए निकाल दिया, क्यों? देखिए हम तो हमेशा अपने लिए कुछ नाराज हैं। हम हमारा नहीं, कहीं नहीं, हमारा नारा था सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। हम उस नारे को लेकर पहले भी चलते थे, आज भी चल रहे हैं और आगे भी जाएंगे। हमारे अंदर कोई बेचैनी नहीं है, तो हम लेकिन हमको उनके बीच में चीजों को जो आज दूसरे लोग, दूसरे दलों के लोग जो भ्रम फैला रहे हैं, आज बताइए किसान कानून सदन में पूछा गया कि काला क्या है, कोई नहीं बता पाया, और वो भ्रम लोग फैला दिए जमीन कब्जा हो जाएगी। कोई कांग्रेस का नेता हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ हो जो बता दे जमीन जिसकी कब्जा हुई हो, और कांग्रेस ने पंजाब में आज बता दे किसकी जमीन कब्जा हुई है, कांग्रेस की सरकार है वहां तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। दूसरी बात, अच्छी बात बताऊं, जो ये लोग वेयर हाउस की बात करते हैं, हरियाणा में वेयर हाउस के लिए जमीन यही अडानी और अंबानी को कांग्रेस ने दिया था 2003 से 5 के 403 में से बता दीजिए, आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जी। अब बता दीजिए 403 में से कितनी सीटों पर दावा बोलेंगे? हम अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, अभी भी कह रहा हूँ हम अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, 300 से ऊपर अभी भी आएगी। चलिए ठीक है, भूदेव जी यहाँ पर यह बोला गया है कि कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है उस पर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। आप मुझे बताइए कि यूपी बचाएंगे, यूपी में वापस आने की कोशिश करेंगे या पंजाब बचाएंगे? काजल जी सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, तो भारतीय जनता, हेलो आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि किस किसके अंदर अंतर कलह है, किसके अंदर नहीं है, पूरे का पूरा कैबिनेट तक बदलने पड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे कैबिनेट मंत्री तक बदलने पड़ रहे हैं। ये अपने अंतर कलह को नहीं देख रहे हैं और ये दूसरी पार्टियों में झांकने का काम कर रहे हैं कि पंजाब में क्या होगा। आप पंजाब में, आप हरियाणा में, आप राजस्थान में, आप दिल्ली में, आप उत्तर प्रदेश में, आप कहीं पर भी नहीं हो। थोड़े दिन और इंतजार कीजिए, देश का 80% किसान सड़कों पर बैठा है, जो आपको किसान नजर नहीं आता है। कभी आप उसको आतंकवादी बोलते हो, कभी आप उसको खालिस्तानी बोलते हो। बेरोजगार अगर, बेरोजगार अगर नौकरी मांगने आता है तो आप उसको निहल्ले बोलते हो। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी बात बोलूंगा। इन्होंने उज्ज्वला योजना की बात की। कांग्रेस के लिए पंजाब में कोई भी अंतरकलह नहीं है। पंजाब में वापस कांग्रेस आएगी, हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि 200+ सीटें उत्तर प्रदेश में आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का युवा आज कांग्रेस के साथ है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह के ब्राह्मण इनसे नाराज, जो ब्राह्मण केवल मैंने अभी अभी बताया कि केवल एक जाति विशेष के लिए काम उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, ब्राह्मण बिल्कुल नाराज है। ब्राह्मण आज कांग्रेस पार्टी की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहा है, क्योंकि एक कांग्रेस पार्टी ही है जो सभी जातियों को, सभी धर्मों को साथ लेके चल सकती है। ये केवल झूठा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारा देते हैं। मुबारकबाद दे देती हूँ, अगर धन्यवाद टकटकी लगा के देख रहा है तो फिर आपके लिए तो बहुत अच्छी बात। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के साथ है और इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। इस्तीफा दिया था तो मध्य प्रदेश के ट्विटर है, अरे हमारे यहाँ इस्तीफा दिया, आप तो जबरदस्ती इस्तीफा ले लेते हो। आप अपने मुख्यमंत्रियों की तरफ देखिए कि जबरदस्ती आप इस्तीफा ले लेते हो, आप पूरी को पूरी कैबिनेट भंग कर देते हो। अमरिंदर जी ने भी दिया है, ताजा समाचार बता रहा हूँ आपको। मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ तो उनकी जो भी नाराजगी है, लेकिन आप तो अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों से छोड़िए, पूरी कैबिनेट से इस्तीफा ले लेते हो, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर भय, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये भय बैठ चुका है। आपसे गुजरात जा रहा है, आपसे उत्तर प्रदेश जा रहा है, आपसे राजस्थान जा रहा है, पंजाब हरियाणा में आप हो नहीं, तो ये
चीजें पूरा देश देख रहा है, आप निश्चित तौर पर थोड़ी देर बाद चुनाव का परिणाम हमारे सामने होगा। भूदेव जी तो बहुत कॉन्फिडेंस में बैठे हैं और उन्होंने तो राजस्थान में वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी। वसुंधरा राजे जी आपसे नाराज है, वसुंधरा जी को आपने बिल्कुल साइड में कर दी। राजस्थान में आपकी सरकार बनेगी, बहुत बढ़िया बधाई हो आपको। बिल्कुल राजस्थान में आपने हमारी सरकार बनाई, आपको बधाई हो, बधाई हो। नहीं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैंने ये बताया है। वापसी करेगी राजस्थान में, वापसी करेगी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार। अश्विनी जी, आप जो भूदेव जी कह रहे हैं, गुजरात की जो बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि यूपी में भी क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि सुबगाहट तो लगातार सामने आती है। पोस्टरों से फोटो गायब हो गए। तो देखिए, मीडिया ने और विरोधी दलों ने बहुत कयास लगाए, लेकिन सबके कयास हो गए फेल। की आवाज आज जो है दिल्ली बुलाए गए योगी जी और बदल दिए जाएंगे। दहशत योगी जी से है, दहशत मोदी जी से है। इन लोगों की एक भी कोई चाल होती है उस पर इन लोगों की नजर रहती है। और 5% की पार्टी है उत्तर। चलिए ठीक है अश्विनी जी, शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। भूदेव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए समय की कमी है, शौकत अली जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। जय दीक्षित, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े थे, इन सभी का बहुत शुक्रिया। दरअसल बात हो रही थी कि ब्राह्मण, ओबीसी, क्षत्रिय, दलितों पर सबको ही मेहरबान है, लेकिन मुसलमान क्यों हाशे पर है। लेकिन ये कहते कहते जो मुद्दे हैं वो लगातार निकलकर सामने आते रहे, जिस पर किसी ने भी सटीक जवाब नहीं दिया है। बीजेपी कॉन्फिडेंट में है, कांग्रेस भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, साथ ही साथ सपा तो ओवर कॉन्फिडेंट है। तो ऐसे में देखना होगा कि जनता के मन में क्या है और जनता किसके सरताज यहां पर बिठाती हुई नजर आती है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।